हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कमेंट में जय श्री गणेश लिख देना, क्योंकि हमारा चालू हो गया है गणपति व्लॉग। तो पार्ट वन आ चुका है, दादर वर्सेस क्रॉफर्ड मार्केट मैंने एक्सप्लोर किया है और वहां पर मैंने देखा है कि प्राइसिंग की बहुत डिफरेंस है, तो वो आप चेकआउट जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे देखो हॉल लेके आ गई हूँ, ये सारे सामान मैं लेके आई हूँ क्रॉफर्ड एंड दादर से। तो क्या क्या दादर से लिया है, क्या क्या क्रॉफर्ड मार्केट से लिया है, वो आपको दिखाऊंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैंने लिया है दादर से, दो चार चीजें दादर से लिए, बाकी सारा क्रॉफर्ड मार्केट से है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला पार्ट, इधर मोर बनाया है और इनका ना ऐसा स्प्रिंग जैसा दिया है और यहाँ पे मोर पंख है, जो कि आई थिंक मुझे झोले में नहीं रखना चाहिए। और इसका ना पेंट हल्का हल्का अभी भी निकल रहा है और पेपर की वजह से निकल गया था। सो 80 रुपीज का मुझे पड़ा है ये, काफी अच्छी प्राइस में मिला है और काफी क्यूट है। इसको हम देखेंगे कहाँ पे लगाना है पप्पा के लिए। तो डेकोरेशन का व्लॉग जल्दी आने वाला है, हम लोग 2-3 दिन में चालू करते हैं, उसके लिए भी वेट करना। तो ये मैंने लिया है दो, एक सेकेंड, इसको आराम से निकालना पड़ेगा नहीं तो बहुत, देखा ये भी चिपक गया है, देखो ये पेपर चिपक चुके ऑलरेडी, बट ठीक है 80 रुपीज के हिसाब से ये काफी अच्छा है, काफी क्यूट है। आप इसको टीवी के यहाँ पे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी डेकोरेशन के लिए लगा सकते हो, काफी अच्छा परचेस लगा मुझे ये 80 रुपीज के हिसाब से, काफी अच्छा है। सो नेक्स्ट हमने जो दादर से लिया है वो है ये पार्ट, ये मुझे दादर में आई थिंक ठीक ठीक प्राइस में मिला है, 100 रुपीज का, 200 का चार मिला है, यानी 50 रुपीज ईच मिला है मुझे ये घंटी वाला। इसको देखना है हम कहाँ कहाँ इसको लगाने वाले हैं। तो ये हमने लिया है, कुछ 10 लिया है हमने, तो ये पूरा झोले भर के यही लिया है गाइस। और इसकी क्वालिटी के हिसाब से आई थिंक प्राइस काफी अच्छी है इसकी भी। तो ये था दादर से लिया हुआ, ये दोनों चीज हमने लिए थे दादर से। अब मैं आती हूँ क्रॉफर्ड मार्केट में, मैंने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले क्रॉफर्ड मार्केट में एक थैली खोलते हैं, 3 थैली लिए थे हम लोग। तो सबसे पहले आता है ये थैली। तो प्राइसिंग के हिसाब से मैंने आपको पहले उसमें बताया था कि क्रॉफर्ड मार्केट ज़्यादा चीप, मतलब बार्गेन कर रहे थे लोग। तो ये रहा क्रॉफर्ड मार्केट का ये सारा पार्ट जो है, ये हम लगाएंगे साइड साइड में पप्पा के घर के। तो ये मुझे कुछ पड़ा 150 या 180 का दोनों, जो कि दादर में मुझे मिल रहा था 100 रुपीज़ का एक, यानी 50-100 रुपीज़ का डिफरेंस है दादर और क्रॉफर्ड मार्केट से। तो अगर आप चाहो तो क्रॉफर्ड मार्केट ही जाना अगर आपको पप्पा के लिए सामान लेना है। कितना क्यूट डिटेल है इसका, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, भरा भरा लग रहा है। सेम यही सेम 2 थैली है गाइस, इसमें हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा लिया है। तो मैं बताती हूँ इसको भी खोल के, एक निकाल के बताती हूँ। वो बड़ा वाला पार्ट है और ये है दूसरा गजरा, ये थोड़ा छोटे छोटे में लिया है, जो आगे फ्रंट में साइड में बैक में लगाने के लिए। और ये और उसकी कलर दोनों अलग है, ये व्हाइटिश में आता है, वो हल्का सा ग्रीनिश में आता है, काफी अच्छा है। इसमें भी घंटी दी है, तो ये काफी अच्छा आपको लाइक भरा भरा अगर डेकोरेशन करना है तो ये बेस्ट परचेस है। ये भी 150 या 100 का दो मिला है, हाँ 150-100 का दो, मुझे प्राइसिंग इतना याद नहीं क्योंकि मैं पूरी थक चुकी थी, टायर्ड हो चुकी थी। और ये जो देख रहे हो ये है कपड़ा, इतना क्यूट कपड़ा दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी सॉफ्ट है, टच करके मैं देख सकती हूँ। ये मुझे पड़ा है 250 पर मीटर, हाँ 250 पर मीटर पड़ा है और मैंने इसको लिया है 3 मीटर। तो बस इसका है कि थोड़ा निकल रहा, बाकी तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और ये भी काफ़ी चीप मिला है, काफ़ी एक्स्ट्रा हम लोगों ने थोड़ा एक्स्ट्रा देने तो एक्स्ट्रा कपड़ा भी दिया, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी क्यूट है। मैं इसको अपने यूट्यूब के बैकग्राउंड के लिए भी लगा सकती हूँ और ये काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाएगा बाद में भी, तो ये क्यूट है। और इसकी प्राइसिंग भी 250 पर मीटर इज इट्स ओके। तो लास्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि थैली भर भर के हमने लिया है ये बहुत सारा गजरे, जैसा फेक गजरा जैसा बोल सकते हो डेकोरेशन के लिए, बहुत सारा लिया है ये भी। और ये मैंने कुछ 10 लिया था, ये भी डेकोरेशन के हिसाब से हमने ये लिया था। नेक्स्ट जो है ये पिंक कपड़ा, ये पिंक कपड़ा मुझे पड़ा है 50 रुपीज़ पर मीटर, तो मैंने इसको लिया 2 मीटर। तो ये 100 रुपीज़ का मुझे पिंक कपड़ा पड़ा साइड साइड में लगाने के लिए, आपको देखना पड़ेगा हमारा डेकोरेशन का पूरा वीडियो। और ये एक थैली में है जो मैं निकालती हूँ आपको दिखा देती हूँ, बट हाँ मैं आपको दिखाऊंगी तो साइड में इमेज लगा देती हूँ, क्योंकि ये निकाल के डालना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो 1500, 2000, 2500 का लगा रहे थे पूरा ऐसा साइड में लगाने के लिए, ये मुझे पड़ा है 1100 का दोनों पड़ा है, यानी ये और ये थैली में मुझे पड़ा है दोनों 1100 का।
तो मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा लगा दोनों ये। तो इसका पूरा डेकोरेशन ब्लॉग आपको देखना है तो कमेंट करो गाइज, और जय श्री गणेश लिख देना क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ ये फेस्टिवल्स को लेके। गणपति बप्पा का जो भी दिन रहता है ना 11 दिन, मुझे बहुत पसंद है। और बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल आने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज, ये हॉल कैसा लगा कमेंट करो। अगर आपको जाना है गणपति डेकोरेशन शॉपिंग के लिए तो क्रॉफर्ड मार्केट ही जाओ, सबसे रीजनेबल प्राइस और बार्गेन भी करते हैं गाइज। कैसा लगा कमेंट करो, बाय।